हेलो बच्चों, क्लास 7th में इंग्लिश मीडियम में जीके में आपका चैप्टर कंटिन्यू है, द कलर्स ऑफ प्रवर्ब्स एंड फ्रेजेस। लोकोक्तियाँ हिंदी में बोलेंगे बच्चों, लोकोक्तियाँ और मुहावरों के रंग। लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग आमतौर पर भाषा में बहुत प्रयोग होता है। जिस प्रकार हिंदी में प्रयोग होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में प्रयोग होता है। चलिए आइए, आपकी बुक में कुछ लोकोक्तियाँ, मुहावरे, प्रवर्ब्स और फ्रेजेज हैं, इनका रियल मीन देखते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। फर्स्ट है बच्चों, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है बच्चों, इफ यू गिव प्रॉपर अटेंशन टू लिटिल थिंग्स, यू सेव कंसिडरेबल एक्सपेंस इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब ये कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर बचाते हैं, कुछ कुछ संभाल कर रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सेव करते हैं, तो आप लंबी रेस में शामिल रह सकते हैं। तो आप लंबी रेस को मेंटेन कर पाओगे, ऐसा उसमें बताया गया है। सेकेंड है बच्चों, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन मतलब काम, स्पीक्स माने बोलता है, लाउडर देन द वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा तेज। तो इसको इस तरह से बताया गया है, वेन वन एक्चुअली मीन डज मोर देन वॉट वन सेज। इसका मतलब ये है कि कोई कहने से ज़्यादा करता है, कोई कुछ करने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा जब कोई काम करता है, तब उसके लिए ये प्रवर्ब यूज़ होता है बच्चों। नेक्स्ट है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हिंदी में देखेंगे तो इसका मीन बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। एवरी क्लाउड माने प्रत्येक बादल हैज रखता है अ सिल्वर लाइनिंग, उसकी एक जो आउटलाइन होती है वो सिल्वर की, चांदी के रंग की होती है। तो इसका मीन ऐसे निकलता है, देर इज ऑलवेज होप इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पर है कि बच्चों, कैसी भी कंडीशन हो, हमेशा हमें होप रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। जो ये प्रोवर्ब बताती है कि कितनी भी विषम परिस्थितियों में आप आशा रखनी चाहिए, या उससे कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। फोर्थ है, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। इसका मतलब जैसे कि खाली बर्तन मेक मच नॉइज, ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसका मतलब है, फुलिश पीपल टॉक मोस्ट एंड लाउडेस्ट। इसका मतलब है, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, मूर्ख लोग, बहुत कम जानने वाले लोग ज़्यादा डिटोरा पीटते हैं अपने ज्ञान का। तो इसका मतलब है, फुलिश पीपल मूर्ख लोग ज़्यादा बातें करते हैं और ज़्यादा तेज बातें करते हैं। इस तरह से फोर्थ हो गया। फिफ्थ आपका देखोगे बेटा, लुक बिफोर यू लीप। इसका मतलब क्या है, थिंक बिफोर यू एक्चुअली एक्ट। इसका मतलब है सावधान, कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं, जो कोई आप क्रियाकलाप एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उससे पहले सोचिए, थिंक, अवेयर होने के लिए कहता है ये, सावधान होने के लिए कह रही है। उसके बाद आते हैं बच्चों, गेस द पॉपुलर फ्रेजेस। ऊपर तो प्रोवर्ब्स थे और नीचे गेस द पॉपुलर फ्रेजेस व्हाट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। नीचे दिए गए हैं, उनको पहचान कर लिखो, समझ के लिखो। फर्स्ट बच्चों, डाइवर्सिटी इज द सीजनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, इज द सीजनिंग ऑफ एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का मतलब अस्तित्व की पहचान दिखाता है, डाइवर्सिटी भिन्नता। तो यहाँ पर है वैरायटी, इसका मीन है बच्चों, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी माने भिन्नता, विभिन्नता जीवन का एक नमक है या मसाला है। स्पाइस माने मसाला है, चटपटापन है, ठीक है। विभिन्नता जीवन का एक चटपटापन है। चटपटेपन से क्या होता है, हमें कुछ भी टेस्ट पसंद आता है, हम एक ही खाना खा के बोर हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कुछ चटपटा हो जाए, जिससे कि मुंह का टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। तो इस तरह से इस फ्रेजेस को भी लिया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, परस्यू लाइंस बिलो वन बट अबव द अदर। इसका मतलब है कि रीड बिटवीन द लाइंस, का मतलब बीच में छुपे हुए, शब्दों के बीच में छुपे हुए अर्थ को जानने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो रीड बिटवीन द लाइन्स, कि शब्दों के बीच में छुपे हुए अर्थ को पहचानो। थर्ड है, रिकैप्चर वंस रेस्पिरेशन। इसका मतलब है, कैच वंस ब्रीथ, किसी की सांसों को पकड़ना, किसी की
किसी की सांसों को महसूस करना पास में, तो कैच वंस ब्रीथ ये है, रिकैप्चर वंस रेस्पिरेशन, किसी के रेस्पिरेशन माने होता है श्वसन, श्वसन नि श्वसन बाह्य श्वसन, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन का मतलब अंदर वायु जाना बाहर वायु निकलना, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिकैप्चर का मतलब पकड़ना, पकड़ना का मतलब महसूस करना, तो उसी से बना है कैच वंस ब्रीथ, किसी की सांसों को महसूस करना। कन्फ्रंट द ट्यून, कन्फ्रंट कन्फर्मेशन, कन्फर्म करना ट्यून, इसका मतलब फेस द म्यूजिक का इसका मतलब है संगीत की सही परख होना, संगीत की सही जानकारी होना और संगीत की सही नाप तोल होना, सुरों का ज्ञान होना। फिफ्थ बच्चों फाइनल ड्रिंकिंग ट्यूब, फाइनल का मतलब लास्ट, ड्रिंकिंग का मतलब पीने वाले, ट्यूब का मतलब है ट्यूब जानते हो नली का, इसका मतलब है लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है आप पीने के लिए पॉट में कुछ नहीं बचा, तो उससे मतलब है फाइनल ड्रिंकिंग ट्यूब का मतलब है कि आप पीने को कुछ भी नहीं बचा। ओके बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, पास ही बेल आइकन भी हिट कर देंगे फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। ओके बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।